खरगोन शहर से 5 किलोमीटर दूर कसरावत रोड पर सगड़ी नदी पुल पर बीती रात सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में क्लीनर हेल्पर घायल हुआ है। मैनगांव पुलिस से मिली जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निमरानी स्थित खेतान कंपनी से पार्वती एंटरप्राइजेस का टैंकर बीती रात करीब 1:30 बजे तेज रफ्तार होने के कारण मोड़ पर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से एसिड बहने लगा। इससे किसी मवेशी अथवा नदी का पानी उपयोग करने से किसी को नुकसान न हो इसलिए आसपास के गांवों में मुनादी भी कराई गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। करीब 1 बजे की घटना है। ये खेतान फर्टिलाइजर कंपनी है निमरानी में। यहाँ से टैंकर हरियाणा पासिंग टैंकर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के नागपुर जा रहा था और ये जो बेड़िया फाटा है उससे ठीक पहले रपट जो पुलिया बनी है वहाँ संतुलन बिगड़ने से पलटी खा गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था। जो एसिड है एहतियातन जो है खेतान फर्टिलाइजर के जो मालिक और प्रबंधन है उनको सूचना दी गई और जो आपदा प्रबंधन टीम है वो भी मौके पर तुरंत आई और उपलब्ध साधन संसाधन से ट्रक को सीधा किया गया। आसपास लोगों को भी बताया गया कि जो पानी नाले और नाले से नदी में प्रवाहित हो रहा है इसका उपयोग न करें। इसमें जो ड्राइवर को तो इंजुरी नहीं है, एक हेल्पर और जो क्लीनर है इनमें 2 लोगों को चोटें हैं, छोटे सामान्य हैं, उनका उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया, ठीक है वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।